नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां भाजपा के वोटर चेतना महाअभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए 21 नवंबर को आजमगढ़ में काशी और गोरखपुर क्षेत्र कार्य समिति की बड़ी बैठक होगी। इसमें वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में काशी और गोरखपुर के समस्त पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, सभी मोर्चों के क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और सभी सांसद समेत कई अन्य लोग भी हिस्सा लेंगे। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अभिषेक के लिए जिस शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, उसकी तस्वीर अब साफ हो रही है। पूरी दुनिया भर में राम भक्त इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं और रामलला के विराजमान होने के बाद उनके दर्शन के लिए हर कोई उत्सुक है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जाने लगा है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त वृक्षिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का अभिषेक करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत का संज्ञान लेते हुए लखनऊ नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग ने जानकीपुरम इलाके में हाई मास्ट लाइट लगवाई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ जनकल्याण समिति की उपाध्यक्ष और समाज सेवी विवेक शर्मा ने जानकीपुरम इलाके के सेंट मैरी अस्पताल से नहर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत IGRS के माध्यम से की थी, जिसके बाद नगर निगम मार्ग प्रकाश विभाग के उप IGRS का संज्ञान लेते हुए जनहित में सेंट मैरी अस्पताल चौराहे पर हाई मास्ट लगवाया है, जिसका उद्घाटन समाज सेवी विवेक शर्मा ने नारियल फोड़कर किया है। यहाँ पे इससे पहले प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी। ये सेंट मैरी हॉस्पिटल के सामने का एरिया पड़ता है और बगल में ही जनेश्वर एनक्लेव है, बहुत ही प्रतिष्ठित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। प्रकाश की अव्यवस्था की वजह से यहाँ पे बहुत सारे चोर उचक्के और गिरेकट वगैरह खड़े होते थे। बगल में ही शराब की दुकान है तो लोग शाम को शराब की वजह से यहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे शराब पीने के लिए। तो अब जो जनहित में ये जो कार्य किया गया है, जो माननीय विवेक शर्मा जी के द्वारा IGRS के माध्यम से जो सरकार ने जो सुनवाई की है, ये बहुत ही तर्कसंगत है और न्यायोचित भी है। हम लोग इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार जो विकास का कार्य है वो कहीं ना कहीं गति लेता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में अगर मार्ग प्रकाश व्यवस्था की बात की जाए तो लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं जो मार्ग प्रकाश की व्यवस्था से अछूते थे, लेकिन उसके बाद इस समाज में एक समाज सेवी आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, विवेक शर्मा, उनके द्वारा लगातार IGRS किया जा रहा था जिन सड़कों के लिए, जिन मुख्य मार्गों के लिए जहां पर अभी भी मार्ग प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हम इस समय कुर्सी रोड चौराहे पर, यहां पर सेंट मैरी हॉस्पिटल है, वहां पर खड़े हैं और इस जगह पर जो यहां से एक मार्ग जोड़ता है जानकीपुरम विस्तार के लिए, उस रूट पर कोई भी हाई मास्ट लाइट न होने के कारण यहाँ पर अंधेरा पसरा रहता था, जिसकी वजह से कई अप्रिय घटनाएं भी होती थी। और आज यहाँ पर जिस तरीके से ये हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, यानी यहाँ पर काफी रिहायशी इलाका भी है, काफी लोग रहते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों का स्कूल है, तो ऐसे में यहाँ पर जो लगाया गया है जिस तरीके का हाई मास्ट, तो हम एक बार जानकारी करेंगे। विवेक शर्मा जी यहाँ पर है, आपके प्रयास से यहाँ पर किस तरीके से हाई मास्ट का लगाया गया, क्या आयोजन? देखिए, ये अक्टूबर 2022 में इसका IGRS लगाया था और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय आदित्यनाथ सरकार को कि कम से कम आम जनता की आवाज को सुन रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने आपके मामा चौराहे से लेकर डंडैया बाजार के बीच में जो लाइटें नहीं थी उसके विषय में भी किया था, तो जनहित की आवाज को और समस्याओं को सुनते हुए और समझते हुए और वो तत्काल ये सुविधाएं उपलब्ध करा दे रहे हैं, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा ये आपके नगर निगम के आप मार्ग प्रकाश व्यवस्था जो देख रहे हैं यहाँ पर संभाल रहे हैं, जोन 3 के जो अवर अभियंता हैं वो बहुत इसमें साथ भी देते हैं और मतलब जनहित की बात को, समस्याओं को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करते हैं। तो देखिए, ये समाज सेवी थे यहाँ पर जिनके प्रयास से IGRS के माध्यम से यहाँ पर जो लाइट लगाई गई है वो इससे फायदा इनको मिलने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि
यहाँ पर ये जनेश्वर इनक्लेव के निवासी है, पास में पड़ोस में लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक योजना बना है, तो उनसे भी पूछेंगे आखिर जो यहाँ पर व्यवस्था लाइट की जा रही है क्या सुविधा मिलने वाली है। इससे बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी क्योंकि रात में क्या होता है पूरी लेन में जो जनेश्वर इनक्लेव से चौराहे तक आता है इसमें काफी अंधेरा रहता है, तो महिलाओं को निकलने में शाम को बहुत दिक्कत होती है, तो इस लाइट से एक बहुत बड़ा फायदा हम लोग के जनेश्वर इनक्लेव के निवासियों को होगा। इस जो चौराहे से अंदर की तरफ लाइट जाएंगी, मोड़ भी बिल्कुल डेड एंड की तरफ का मोड़ है, एक्सीडेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, भीड़ भाड़ से भी बचेंगे और आराम से जनेश्वर इनक्लेव से आ जा सकेंगे, थोड़ा सा राहत मिलेगी सिक्योरिटी वाइज। तो ये जनेश्वर इनक्लेव के निवासी है, इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर बाईपास की व्यवस्था की गई है और उससे कहीं ना कहीं अब ये सुविधा मिलने वाली है, तो पूरे अगर लखनऊ की बात की जाए तो मार्ग प्रकाश व्यवस्था पूरी तरीके से आप सुधरता हुआ नजर हो रहा है, तो ऐसे में अभी कई ऐसे चौराहे हैं जो टूटे हैं उन पर भी मार्ग प्रकाश व्यवस्था कार्य कर रहा है। प्राइम टीवी से रितेश श्रीवास्तव लखनऊ। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां सीताकुंड घाट पर गोमती नदी तट पर छठ पर्व के दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए सुबह गंगा गोमती के तट सीताकुंड घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सूर्योदय के साथ अर्घ देकर महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया है। दरअसल महिलाओं का घाट पर पहुंचने का सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया था और महिलाएं समूह में छठ के गीत गाते हुए उपासना के लिए गोमती नदी के किनारे पहुंची और पति बेटे की लंबी उम्र के साथ ही परिवार के सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। आज से पूर्वांचल साइड में जब से आई हैं तब से हमारे यहाँ पे भी डाला छठ को माना जाता है। इनका मानना है कि ये प्रकृति से एक तो जुड़ा है, दूसरा ये अपने बच्चों के लिए अच्छी लंबी आयु के लिए ये पूजा करती हैं। अपनी श्रद्धा के साथ ये जो है काफ़ी समय तक व्रत भी रखती हैं, नीरजली व्रत रखती हैं और बहुत सी महिलाओं का इनके लिए महिला पुरुष दोनों का मानना है कि इनसे बहुत सारी मान्यता पूरी होती हैं। ये 36 घंटे का व्रत होता है और इसको पहले दिन जो है नहाए खाए होता है, तो उस दिन पूरा दिन निराजली रहा जाता है और शाम को लौकी और चने की दाल खाई जाती है और रोटी, और उसके बाद दूसरा दिन जो होता है वो खरना होता है, उस दिन भी पूरा दिन निराजली रहा जाता है और शाम को बखीर और रोटी खाई जाती है, और तीसरे दिन बिल्कुल निराजली रहा जाता है और उसके चौथे दिन सुबह अर्घ दिया जाता है। इसमें अर्घ दो बार देते हैं, एक बार पहले दिन जो देते हैं शाम को वो शाम सूरज डूबते हुए सूरज का और दूसरे दिन उगते हुए सूरज का। सीताकुंड पे चारों तरफ जो है जहाँ देखिए वहीं बेदी बनी हुई है, हम लोग जाते हैं बेदी को सजाते हैं, पूरा फल सब्जियाँ दीपक जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद घाट पे जाते हैं, घाट की पूजा होती है, उसके बाद वापस नदी में अंदर जाते हैं, फिर वहाँ जब सूरज डूबने लगता है तो अर्घ देते हैं, फिर बाहर आते हैं, उसके बाद सारा चीज़ जैसे रहता है वैसे फिर हम लोग घर वापस लेके जलता हुआ लोटे में कलश ऐसे करके वापस हम लोग लेके आए हैं अभी, और कल सुबह फिर हम लोग को वापस जाना है, जाके फिर वैसे ही बेदी को सजाएंगे, उसके बाद घाट पे जाएंगे, घाट पूजा होगी, फिर नदी में सुपली को लेके खड़े होंगे और जय छठ मैया को बोलते रहेंगे जब तक जब सूर्य भगवान उगेंगे, उसके बाद जो है उनको अर्घ दिया जाएगा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना मक्खनपुर के जेवड़ा गांव में दो पक्षों में जमकर हंगामा देखने को मिला और कई राउंड फायरिंग का नया मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच में कई मामलों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें देवेंद्र नामक युवक की सुनील के परिवार ने के ऊपर 4 राउंड फायर किया है। इसी के दौरान कोई फिलहाल हताहत नहीं हुआ है। यूपी के जनपद पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम रामपुरा मिश्र में शासन के निर्देशों के अनुसार थानों में लगाए जा रहे समाधान दिवस में आए फरियादियों की जमीनी विवादों से संबंधित शिकायतों का तहसील के कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण कोई समाधान तक नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है कि समाधान दिवस में दिए गए अनुसूचित जाति के किसान डालचंद ने शिकायती पत्र दिया था, जिसमें किसान ने कहा कि उसकी कृषि जमीन पर हल्का लेखपाल ने कब्जा दिलाया था। वही दबंग हरदयाल से जमीन का कब्जा लेकर अनुसूचित जाति के किसान डालचंद ने गेहूं की फसल को खेत में बोया, जिसके बाद दबंग प्रवृत्ति के हरदयाल ने ट्रैक्टर से अनुसूचित जाति के किसान की फसल को पलटकर खेत में पानी भर दिया। इस संबंध में पीड़ित किसान डालचंद ने पुलिस से शिकायत करने पर जहानाबाद पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए दोनों लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया, जिसके बाद पीड़ित किसान डालचंद ने तहसील सदर उपजिलाधिकारी सदर के अलावा डीएम पीलीभीत प्रवीण कुमार लक्षकार से दबंगों से जमीन
जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की गुहार लगाई है और योगी सरकार ने तहसील प्रशासन और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को थाना और तहसील समाधान दिवस में आए जमीनी विवाद निपटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। पाल साहब ने हमारा खेत नाप दिया, पैमास करके गए थे, तूदा लगा के गए थे और हमने इसमें गेहूं बह दिए थे। गेहूं बहने के बाद में हरदयाल ट्रैक्टर से लोड बह दिया, रात में पानी भर रहे थे और जब हमने देखा कि हरदयाल पानी भर रहे, हमने 112 नंबर बुलाई थी, वो आए थे मौके पे, मना करके गए थे कि हरदयाल खेत ना भरो रात में। हम साहब घर पर चले गए, हरदयाल खेत भर रहे थे, हमने 100 नंबर वाले को दोबारा बुलाया और बुलाने के बाद में हरदयाल से पूछा गया किस लिए तू भर रहा है, अभी तो सर 100 नंबर वाले मना करके गए थे तो दोबारा किस लिए पानी भर रहा है। तो हरदयाल बोला कि ऐसा है, डालचंद ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर दिया है। तो मैंने हरदयाल से कहा, 100 नंबर वाले उसका, कि साहब मेरे पास नेकपाल साहब की लिखित है और नेकपाल साहब मुझे कब्जा दिला के गए हैं, तूदा लगा के गए हैं, इसी मैंने गेहूँ इसमें बहे थे। उसके बाद हरदयाल ने लौट दिए और 100 नंबर वाले हमें दोनों लोगों को पकड़ के ले गई थाने। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें चालान करके और हमें पीलीभीत भेज दिया। हम दोनों लोगों ने अपनी जमानत करवाई मगर हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। खबर रायबरेली से है जहां बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर सराफा व्यवसायी से सोने चांदी की जेवरात नकदी समेत 1 करोड़ की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट से जिले में हड़कंप मच गया और सैकड़ों व्यापारियों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में स्थित सराफा व्यापारी दुकान बंद करने के बाद बैग में सोने चांदी के जेवरात लेकर घर जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे रोक लिया और असलहे के दम पर उससे बैग छीनकर फरार हो गए। वही घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सराफा व्यापारी से हुई लूट के बाद व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों व्यापारियों ने थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने सराफा व्यवसाय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके बाइक सवार 3 बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।